नमस्कार बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का पांचवा प्रश्न है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x + 20। अब इसमें सबसे पहले हम देखना, बिना एक्स वाली रकम है 20। 20 के जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 20। तो इन सभी के साथ प्लस या माइनस लगाकर हमने देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू लेने से हमारा जो है हिट एंड ट्रायल मेथड कामयाब होगा, जिस जो मेथड आप पहले भी कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले ही जो वैल्यू लेता हूं वो पहले 1 लेके चलता हूं। तो यदि मैं पी ऑफ 1 लूंगा, इसको पी एक्स बराबर इतना मानो, तो पी ऑफ 1 यानी x की जगह 1 लूंगा, तो 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू, क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह 1 लिख रहा हूं बेटा, प्लस 20। तो आ गया 1 का क्यूब है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 प्लस 32 एकम 32 प्लस 20। अब देखो 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, इसमें कुछ भी माइनस नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, ये जीरो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना, इसको यही छोड़ दो, करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो जीरो चाहिए। तो अब मैं 1 की जगह -1 लेके देखता हूं। अब x की जगह मैं -1 लूंगा, -1 की पावर 3, उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूं, प्लस 13 एक्स की जगह -1 इसका स्क्वायर प्लस 32 एक्स की जगह -1 प्लस 20। आइए इसको हल करके देखते हैं, ध्यान से देखना, -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होगा 1, 1 इंटू 13 होगा 13, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 32 एकम होगा 32 प्लस 20। इसको हल करके देखते हैं, देखो ध्यान से, प्लस वाली रकम में अलग प्लस कर लो, 13 और 20 होता है 33, माइनस वाली रकम में अलग प्लस कर लो, -1 और -32, माइनस माइनस प्लस, 32 और 1 33, तो यानी +33 -33 33 -33 ये आ गया 0, 33 - 33 ये आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है कि जब मैंने x की वैल्यू ली -1 तो मेरा पी ऑफ -1 0 आया, इसका मतलब एक्स माइनस -1, ये फॉर्मूले में आता है -1 इसलिए क्योंकि ये -1 है, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये जो है ये पी एक्स का गुणनखंड है। जैसा हम पिछले क्वेश्चनों में समझते रहे हैं, हमारा एक भाग हल हो जाता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का यदि 3 भाग माने आप तो एक भाग यहीं पे हल हो जाता है जहां पे हम एक गुणनखंड निकाल लेते हैं एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा भाग शुरू होता है जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पी एक्स था, एक्स क्यूब प्लस 13x² + 32x + 20, इसको भाग करेंगे किससे, ये जो हमारा गुणनखंड आया एक्स प्लस 1 से। ठीक है बच्चों, रफ वर्क बहुत जरूरी है ध्यान से करने वाला। पहला स्टेप क्या होता है, पहली रकम को पहली रकम से भाग कर दो, एक्स क्यूब को भाग करो एक्स से, तो ऊपर 3x है उससे एक कट गया, बाकी 2 रह गए, ये बच गया x², तो यहां मैंने लिखा है x² को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे, x² को x से गुना किया, एक्स क्यूब प्लस 1 को x² से गुना किया प्लस 1x². अगले स्टेप में साइन चेंज, ये माइनस प्लस था माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस, x³ से -x³ कट गया, आगे क्या बन गया, 13x² -1x², तो ये बन गया 12x², ऊपर से 2 रकम में उतार लो प्लस 32x प्लस 20। एक एक करके बच्चों स्टेप करते जाओ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक हमने चलना है। अब क्या काम है, पहली रकम से पहली रकम भाग, वही स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन में, पहली रकम से पहली रकम भाग, 1x से 1x कट गया, बाकी बच गया 12x, तो यहां मैंने लिख दिया +12x। अब ये +12x जब x से गुना होगा तो ये बन जाएगा 12x², प्लस 1 से 12x गुना होगा तो ये बन जाएगा 12x। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में क्या है, साइन चेंज, देखो वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। अब +12x से -12x² कट गया, +32x -12x, 32 में से 12 गए 20x प्लस ऊपर से उतारा 20। अब अगला स्टेप क्या है, पहली रकम से पहली रकम भाग, 20x
इसको x से भाग कर दो, x से x कट गया, बाकी रह गया 20। अब यहां लिख दिया प्लस 20। ठीक है बच्चों, तो 20 को जब x से गुना किया तो आया 20x, प्लस 1 × 20 हो गया प्लस 20। अगला स्टेप आपको शायद समझ ही आ गया होगा, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, 20x से 20 से माइनस 20x कट गया, प्लस 20 से माइनस 20 कट गया, शेषफल आ गया 0। ठीक है बच्चों, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ। तो हम यहां पहले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे px बराबर ये बहुपद किसके बराबर है, ये बहुपद गुना ऊपर वाला ये बहुपद जो अभी भागफल आया, तो ये है x प्लस 1 गुना ऊपर वाला जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20। अब ज्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, इसके साथ यदि कोई संख्या नहीं है तो है 1। अब एक्स स्क्वेयर के साथ वाले नंबर का 20 से गुना, 20 गुना 1 यानी कि 20, 20 के फैक्टर निकालो, 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, इनके अलावा और किसी पहाड़े में 20 नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसके पहाड़े में कौन सा हमें चाहिए। तो मैं आपको यहां से बता दूं, बीच वाली रकम है 12, 12 देखो यहां से आ रहा है, 2 और 10 को प्लस करके 12 आ रहा है। तो पहला ब्रैकेट ऐसे ही लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट में बच्चों क्या करते हैं, पहली रकम ऐसे ही लिख देते हैं, आखिरी रकम भी ऐसे ही लिख देते हैं, बीच वाली रकम के स्थान पर ये 2 हमने जो लिए हैं, ये 2 जो हमने लिए हैं ये हमने यहां लिखने होते हैं, एक है 2x, दूसरा है 10x, और इसके साथ कोई निशान नहीं है यानी प्लस, तो दोनों का निशान सेम होगा, कौन सा होगा जो यहां है, यहां है प्लस, तो इसके साथ भी प्लस और इसके साथ भी प्लस। तो इससे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी, देखो यहां मैं बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूं, इन दोनों में से x कॉमन, यहां से x बाहर चला गया बाकी बच गया x, 2x में से x बाहर चला गया बाकी रह गया 2, ये दोनों 10 के पहाड़े में आते हैं तो 10 कॉमन, 10x में से 10 बाहर चला गया तो बाकी रह गया x, 20 को 10 से भाग कर दिया बाकी बच गया 2। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं आप यहां भी x प्लस 2 है, यहां भी x प्लस 2 है। अगले स्टेप में x प्लस 1, ठीक है x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी है, तो x प्लस 2 कॉमन, तो यहां से x प्लस 2 बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया x, यहां से x प्लस 2 बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया प्लस 10। तो ये 3 ब्रैकेट्स आ गई जिनको आपस में गुना करने से आपका जो पहले वाला बहुपद है वो बनेगा। देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूं वही चीज दोबारा बच्चों, इस क्वेश्चन के देखिए हमेशा ही 3 पार्ट होते हैं, पहला भाग ये है जिसमें आप हिट एंड ट्रायल, ये मैंने आज लिखा नहीं, या एक सेकेंड यहां लिख देता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ तो सबसे पहला भाग ये है, ये वाला जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने एक वैल्यू ऐसी निकाली जिसको हल करने से हमारा 0 आ रहा है, ये बहुपद x की जगह वो वैल्यू डालने से ये बहुपद 0 के बराबर आ रहा है, वो जो है वही हमारा गुणनखंड है पहला, ये होता है पहला भाग। दूसरे भाग में हमने क्या करना है, जो हमारा दिया हुआ बहुपद है उसको उस गुणनखंड से भाग करेंगे जिससे हमारे का ये भागफल आ गया। और तीसरा भाग क्वेश्चन का ये है जिसमें इसे और इसे आपस में गुना करेंगे, ये ब्रैकेट ऐसी की ऐसी नीचे आ जाएगी, लेकिन इस ब्रैकेट का हम गुणन खंडन करके इसको 2 ब्रैकेट्स के रूप में लिखेंगे। तो ये 3 ब्रैकेट्स आ गई जिनको आपस में गुना करने से आपका ये बहुपद बनता है। आपको ये वीडियो अगर समझ आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना बच्चों, आपकी लाइक से हमें बड़ा हौसला मिलता है। धन्यवाद।